हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसमें क्वाड्रेंट रूल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, इससे रिलेटेड फार्मूला हम लोग बहुत सारा देखे थे। इससे हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी इससे रिलेटेड किए थे। आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कुछ। क्वाड्रेंट रूल का मैं पहले कुछ रिविजन करवा दूंगा, उससे रिलेटेड फिर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेंट रूल का। एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्विक रिकैप। क्वाड्रेंट रूल में था उस दिन, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, जिसको हम लोग पाई बाई टू भी कहते हैं, ये 180 डिग्री जिसको हम लोग पाई भी कहते हैं, ये 360 डिग्री जिसको हम, ये 270 डिग्री जिसको हम लोग 3 पाई बाई टू भी कहते हैं, ये 360 डिग्री जिसको हम लोग 2 पाई भी कहते हैं। अब देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में था साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव था। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट पॉजिटिव था, बाकी सब निगेटिव था। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव था, बाकी सब निगेटिव था। यहां पर पॉजिटिव। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसमें इससे रिलेटेड हम लोग फॉर्मूला बहुत सारा लिखे थे, इससे रिलेटेड बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन किए थे। अब इसी का हम लोग एक बार एक चार्ट बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, 0 से 90 डिग्री के बीच में जीरो, ये जीरो हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। 0 से 90 डिग्री के बीच में साइन कॉस टैन कॉस जो भी हो सब पॉजिटिव रहता है। साइन थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा पॉजिटिव, टैन थीटा पॉजिटिव, कॉट थीटा पॉजिटिव, सेक थीटा पॉजिटिव, कॉसेक थीटा पॉजिटिव। यही चीज जब 90 से 180 डिग्री में आएंगे हम लोग, तो साइन और कॉसेक जो है पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। ठीक है, यही चीज हम लोग जब 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में आएंगे, तो टैन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में ये साइन भी निगेटिव हो जाएगा, कॉस भी निगेटिव, टैन पॉजिटिव हो जाएगा, कॉट पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग वैसे ही 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में आएंगे, तो कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में आएंगे तो कॉस और सेक पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब निगेटिव हो जाएगा। कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। ठीक है, ये एक छोटा सा चार्ट था जिससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं। अब हम लोग आगे क्या देखते हैं, एक सेकेंड ऑफ कर। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हम लोग कुछ फॉर्मूला देखेंगे, बेसिक फॉर्मूला, जैसे कि
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाई कॉसेक थीटा, इससे टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और टैन थीटा को वन बाई कॉस थीटा भी बोलते हैं। ये सब फॉर्मूला देखेंगे। तो पहला फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, साइन स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाई कॉसेक थीटा। दूसरा हो गया कॉस थीटा इज इक्वल टू वन बाई सेक थीटा। ये फॉर्मूला हम लोग कल भी देखे थे और इसमें भी आता है। तीसरा फॉर्मूला हो गया टैन थीटा इज इक्वल टू वन बाई कॉट थीटा। चौथा फॉर्मूला आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। इसका अब हम लोग कुछ इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, इसका हम लोग क्वेश्चन में कैसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन में हम लोग इसको पहला तरीका से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होगा, इसको हम लोग वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इस तरीके से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा साइन थीटा का कभी कभी हम लोग वैल्यू भी ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोग को पता है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी है, तो इसको हम लोग अगर ये स्क्वायर इधर जाता है तो ए इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट बी होता है। तो यहाँ पर हम लोग को पता है कि ये निगेटिव तो नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये निगेटिव तो नहीं होगा, तो ये पॉजिटिव आ गया। फिर हम लोग यहाँ पर तीसरा देखेंगे, सेम इसी तरीके से सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा का भी हो गया वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और चौथा हो गया कॉस थीटा का भी सेम हो गया रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इसका इम्प्लीमेंटेशन ये चारों से अलावा और कोई इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। इस फॉर्मूला का यही चार इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करता है। पांचवा हम लोग देखेंगे, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इसका हम लोग इसका फिर इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। इसका पहला इम्प्लीमेंटेशन हो गया, जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। क्वेश्चन में हम लोग जैसे कि ये हम लोग का यूनिवर्सल फॉर्मूला है, लेकिन क्वेश्चन में हम लोग जैसे कि इसको भी वैरी कर सकते हैं। क्वेश्चन में जैसे कहीं साइन स्क्वायर थीटा होगा, वहां पर हम लोग कॉस थीटा में उसको कन्वर्ट करना होगा, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं, या साइन थीटा है उसको हम लोग ये वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है इसको हम लोग साइन थीटा के फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इस तरीके से। वैसे ही अब वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, अब हम लोग को कई क्वेश्चन में दिया होगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग को सेक स्क्वायर थीटा के फॉर्म में हम लोग को लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और फिर इसको यहाँ पर जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा दोनों दिया हुआ है, और हम लोग को इसको कोई वैल्यू कोई कॉन्स्टेंट के टर्म में लिखना है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या इसका एक और तरीके से भी लिख सकते हैं वन, इसका एक ही इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। ये तो यूनिवर्सल इसका फॉर्मूला हो गया, ये इसका एक इम्प्लीमेंटेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद अब ये पांचों फॉर्मूला हो गया, अब इसके आगे का हम लोग आपको पढ़ाते हैं। तो अब इसका नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग देखेंगे। इसका भी इम्प्लीमेंटेशन पहला वाला सेम है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। ठीक है, ये हम लोग का इसका मेन फॉर्मूला हो गया, ये इसका क्वेश्चन में इम्प्लीमेंटेशन आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट इसका देखेंगे, जो भी जितना तरह का फॉर्मूला हो गया, आप टैन साइन टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा।
cos थीटा बाई साइन थीटा, ये सब अब इसका जो इम्प्लीमेंटेशन आ गया मेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो बेसिक फॉर्मूला था ये इतना ही था। इसके आगे का हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्टैंडर्ड वैल्यूज जिसमें इसका कुछ चार्ट है। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या सम स्टैंडर्ड वैल्यूज है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। साइन थीटा, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री, ये सब का पूरा वैल्यू दिया हुआ है। ये चार्ट है आपको, ये चार्ट आप लोग को याद करना है, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। और इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला सीट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इससे रिलेटेड अब हम लोग को लास्ट चीज़ पढ़ना है कुछ एंगल के बारे में। तीन तरह का एंगल सिस्टम होता है, सेक्सागेसिमल एंगल सिस्टम, सेंटेसिमल एंगल सिस्टम और रेडियन एंगल सिस्टम, जिसको सर्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। तो ये तीनों में क्या है, बेसिकली हम लोग को इसका रेडियन एंगल सिस्टम का हम लोग को रिलेशन जानना है। तो इसका सेंड इसको ड्रॉप कर देते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स जो होता है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के लिए हम लोग का तीन सिस्टम होता है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के लिए थ्री सिस्टम होता है जिसमें से पहला होता है सेक्सागेसिमल एंगल सिस्टम। तो आइए देखते हैं सेक्सागेसिमल एंगल सिस्टम के बारे में एक बार जान लेते हैं। सेक्सागेसिमल सिस्टम, सेक्सागेसिमल सिस्टम क्या कहता है, इसमें होता है जैसे कि वन राइट एंगल हो गया, ठीक है। इसमें होता है वन राइट एंगल का 90, वन राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, ठीक है। वन राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, और जैसे कि वन डिग्री हो गया, वन राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, तो इसलिए वन डिग्री जो हो गया, वन डिग्री 60 मिनट का हो गया, और वन डिग्री 60 मिनट का हो गया, और वन मिनट जो हो गया वो 60 सेकेंड का हो गया। इसमें मिनट को ऐसे देखते हैं, वन डिग्री जो हो गया वो 60 मिनट का हो गया। इसको मिनट को इस लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और वन मिनट जो हो गया वो 60 सेकेंड का हो गया। इसे सेकेंड को डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हम लोग को बेसिकली ये तीनों फॉर्मूला बस ध्यान में रखना है सेक्सागेसिमल का, ठीक है। और उसके बाद ये आप लोग देख लीजिए, इसके बाद दूसरा सिस्टम आता है सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम में क्या होता है, एक सेकेंड, सेंटेसिमल सिस्टम में क्या होता है, दूसरा सेंटेसिमल सिस्टम इसमें क्या होता है, सेंटेसिमल सिस्टम में होता है जैसे कि इसमें वन राइट एंगल जो होता है ये 100 ग्रेड्स का होता है। इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, 100 के ऊपर यहाँ पर जी लेके, ठीक है। वन राइट एंगल जो होता है इसमें 100 ग्रेड्स का होता है, और इसमें वन ग्रेड जो होता है ये 100 मिनट्स का होता है, ठीक है। और वन मिनट जो होता है वो 100 सेकेंड्स का होता है, ठीक है। इसमें वन ग्रेड जो होता है इसमें 100 मिनट्स का होता है, और वन मिनट जो होता है वो 100 सेकेंड का होता है। ये इसका आपका सेंटेसिमल का बेसिकली ये फॉर्मूला था। इससे रिलेटेड उतना कुछ खास क्वेश्चन नहीं आता है, ये सब बस ऐसे ही मेमोराइज कर लीजिएगा।
और थर्ड था सर्कुलर सिस्टम, जिसको हम लोग रेडियन सिस्टम कहते हैं। इसका क्वेश्चन आता है आप लोग का दो जो है, सेंटेसिमल सिस्टम और रेडियन सिस्टम, ये दोनों आप लोग का बेसिकली काम का है। सेंटेसिमल सिस्टम में आप लोग, ये दोनों आप लोग का बेसिकली काम का आता है सेक्साजेसिमल सिस्टम, और अभी जो हम पढ़ाने वाले हैं आप लोग को सर्कुलर सिस्टम, जिसको रेडियन सिस्टम भी कहा जाता है। सर्कुलर सिस्टम जिसको हम लोग रेडियन सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। ये और पहला वाला जो सेक्साजेसिमल सिस्टम था, जिसमें आप लोगों को बताया था वन राइट एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है, वन डिग्री जो होता है वो 60 मिनट का होता है, और वन मिनट जो होता है वो 60 सेकेंड का होता है, वो एक काम का था। और एक आप लोग का सर्कुलर सिस्टम जो होता है रेडियन सिस्टम, ये एक काम का है। इसमें आपको कुछ खास नहीं जानना है, इसमें आप लोग को हम बस रिलेशन बताएंगे जिसका आप लोग को काम है। जैसे कि यहाँ पर इसका डिग्री सेक्साजेसिमल वाला जो था उसके साथ, जो डिग्री वाला था उसके साथ इसका रिलेशन जो है मेनली वो काम का है। जैसे कि रेडियन क्या होता है, रेडियन को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, पाई रेडियन हम लोग रेडियन को आर एडी लिखते हैं, ये पाई रेडियन मतलब कितना हो गया 180 डिग्री, पाई रेडियन मतलब कि 180 डिग्री। ये हम लोग का रिलेशन हो गया रेडियन से डिग्री का, ये हम लोग को रिलेशन मिल गया, ठीक है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहीं से हम लोग निकाल लेंगे वन रेडियन इसका क्या हो गया 180 डिग्री बाई पाई, ये हो गया। अगर हम लोग को रेडियन से डिग्री में, अगर हम लोग का डिग्री में दिया हुआ है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ से वन डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180, ठीक है। ये दोनों आप लोग का रिलेशन है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया 180, यहाँ पर आप लोग को पाई का बेसिक स्टैंडर्ड वैल्यू आप लोग को पता होना चाहिए, पाई का 22/7 होता है, ठीक है। इसको 3.14 भी कहते हैं। इसका कुछ खास काम आप लोग को नहीं आएगा, मेन जो है आपको इस रिलेशन का काम आएगा, रेडियन दिया हुआ है, रेडियन से आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इस फॉर्मूला का, और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इस फॉर्मूला का। जैसे कि आप लोग को 5 डिग्री दिया हुआ है, बोलेगा 5 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे इससे जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, 1 डिग्री है ना, यहाँ पर आप लोग को 5 डिग्री दिया हुआ है, बोलेगा इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 1 pi/180 × 5, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसको करेंगे 5 3 से 15 और 5 6 से 30, तो ये आपका आ गया pi/36 radian, ठीक है, pi/36 radian, ये आप लोग का आंसर हो गया। वैसे ही दूसरा, अगर इसका हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप लोग को रेडियन में दिया हुआ है, मान लीजिए आप लोग को 10 radian दिया हुआ है, ठीक है, 10 radian दिया हुआ है, इससे हम लोग को डिग्री में कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं करना है, 180 degree by pi × 10, तो यहाँ पर ये हो गया 18, इसको ऐसे ही लिख सकता है 1800 by pi radian, ठीक है। ये आप लोग का बेसिकली ये हो गया। अब हम लोग इससे पहला एक्सरसाइज करेंगे एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज 3.1, जिसमें आप लोग को बेसिकली रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है या डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, इसी से रिलेटेड है वो चैप्टर। तो हम लोग अब वो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, उस एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन है हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो एक सेकेंड, इसको रब कर लेते हैं। हाँ, तो आप लोग का एंगल वाला सिस्टम खत्म हो गया। अब आप लोग का जो भी है एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी का जो है, उसमें आप लोग को मेनली करना है डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है या रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो उससे आप लोग का पहला क्वेश्चन हो गया, पहले आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम देते हैं, एक समझ लीजिए। आप लोग का ये दिया हुआ है, रेडियन में दिया हुआ है, आप लोग को इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे कि आप लोग का पहला क्वेश्चन है 20 डिग्री है, डिग्री में दिया हुआ है, डिग्री टू, एक सेकेंड, डिग्री
टू रेडियन। डिग्री से आप लोग को रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। पहला आप लोग का क्वेश्चन हो गया 20 डिग्री, 20 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। तो 20 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट, अभी आप लोगों को एक फार्मूला हम बताए थे, जैसे कि 180 डिग्री था तो 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री कितना हो गया, 1 डिग्री हो गया पाई बाई 180 रेडियन, पाई बाई 180 रेडियन। तो बस आपको यही यूज करना है, 1 डिग्री का इतना, तो 20 डिग्री का कितना, इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो गया पाई बाई 180 इंटू 20, तो 29 से पाई बाई 9 रेडियन आ गया, पाई बाई 9 रेडियन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग का हो गया, दूसरा क्वेश्चन आ गया 47 डिग्री 30 मिनट माइनस 47 डिग्री 30 मिनट, ये आप लोग का क्वेश्चन है। तो अब आप लोग का क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज आपका 3.1 है, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 का ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है। तो 47 डिग्री 30 मिनट, अब आप लोग को मिनट को हम कैसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे बताते हैं। जैसे कि आप लोग का पहला क्वेश्चन था, हम बताए थे कि वन राइट एंगल में 90 डिग्री होता है, और 1 डिग्री में आपका 60 मिनट, और 1 मिनट में आपका 60 सेकेंड होता है। तो ये आपका मिनट में है, मिनट से आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला आपका फॉर्मूला यूज होगा, 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितना, 1/60 डिग्री, 1 मिनट में आपका 60 मिनट है, तो 1 डिग्री में आपका 60 मिनट है, तो 1 मिनट में आपका 1/60 डिग्री हो गया। तो वही सेम चीज़ यहाँ करना है, ये 47 डिग्री में पहले ही है, आपको 30 मिनट को कन्वर्ट करना है 60 डिग्री में। तो कुछ नहीं, पहले इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए 30 मिनट को, तो 30 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 30 × 1/60 डिग्री, तो ये आ गया 1/2 डिग्री, ये आपका डिग्री में आ गया। अब 47 प्लस 1/2 डिग्री, ठीक है, तो 47 प्लस 1/2 डिग्री कितना हो गया, यहाँ पर आप अगर इसका एलसीएम लेते हैं, 7 से 14 का 4 है 48, 19, 94 प्लस 1, 95/2 डिग्री आ गया। ये आपका अभी फिलहाल डिग्री में है, 95/2 ये आपका डिग्री में है। अब इसको आप रेडियन में कन्वर्ट कीजिएगा, ये आपका पूरा, ये आपका बेसिकली कितना है 95/2 डिग्री, इसको आप लोग रेडियन में कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना आएगा, 95/2 इंटू, इसको हम लोग पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो गया, 5 × 5 = 45, 5 × 5 = 15, 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 30, तो यहाँ पर आ गया 19π/72π रेडियन, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पर आप लोग का माइनस था, तो यहाँ पर आप लोग का माइनस यहाँ भी लग जाएगा, ठीक है। ये आप लोग का दो क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का दो क्वेश्चन था, जो आप लोग का दो तरह का हम सॉल्व कर दिए। सेम इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग का दो और क्वेश्चन है, वो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, और उसमें जो भी प्रॉब्लम आएगा, इसमें जितना ये पढ़ाए इसके बाद उसमें आप लोग को 1% प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब आप लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसमें था रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना, अभी आप लोग को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना सिखाए हैं, अब आप लोग को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना सिखाएंगे। अब आप लोग को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, दूसरा नंबर अब आप लोग का क्वेश्चन आ गया कि आप लोग रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना सीखिएगा, रेडियन टू डिग्री, ठीक है। इसमें अब आप लोग का पहला क्वेश्चन है 11/16, ये आपका रेडियन में है, इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है।
तो अभी तक आप लोग को जो पहला फॉर्मूला सेक्सेजेसिमल जो सिस्टम आप लोग को पढ़ाए थे उसमें हम आपको बताए थे वन राइट एंगल में आपका 90 डिग्री होता है, वन मिनट में आपका 60 सेकेंड, वन सेकेंड में आपको वन मिनट में 60 सेकेंड हो गया, और वन सेकेंड वन राइट एंगल में आपका 90 डिग्री, वन डिग्री में आपका 60 मिनट, वन मिनट में आपका 60 सेकेंड, वैसे ही आपका इससे रिलेशन बताया था सर्कुलर रेडियन सिस्टम से। अब आप लोगों को वो उसी का यूज करके अब आप लोगों को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन से आपका डिग्री, हम आपको एक रिलेशन बताए थे पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री हम आप लोग को एक रिलेशन बताए थे। तो इस रिलेशन का आप यूज करके इसको आप लोग डिग्री में कन्वर्ट कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर पाई रेडियन है ना, इसको 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करना, पाई रेडियन है तो यहाँ पर 1 रेडियन कितना हो गया, 1 रेडियन हो गया 180 डिग्री बाई पाई, 180 डिग्री बाई पाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 11/16 इंटू 180 डिग्री बाई पाई, यहाँ से आप सीधे देखिए यहाँ पर रेडियन, वन रेडियन में 180 डिग्री बाई पाई, वन रेडियन में 180 डिग्री बाई पाई, तो 11/16 का निकालना है। तो इसमें 11/16 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, सेम इधर कर रहे हैं, 11/16 रेडियन है तो 11/16 में 180 डिग्री बाई पाई से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तब कुछ नहीं, इसको जो 16 यहाँ से इसको हम लोग ये कर देंगे 4/4 से 16 और 4/4 से यहाँ से पहले कर देंगे 2/8 से 16 और 2/9 से 18 90, 2/4 से 8 245 से, और यहाँ से आ गया आपका 11 × 45 बाई 4 पाई, और इसको आप लोग पाई को आप चाहिए तो आप 22/7 में इसको तोड़ सकते हैं। इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ये 22/7 इसमें आपका टूट जाएगा 22/7। तो एक सेकेंड इसको आपको रब करके अच्छे से दिखा देते हैं, 11/16 इंटू 180 डिग्री बाई पाई, ठीक है। अब इसको पाई का वैल्यू आप लोग को डाल देना है, यहाँ पर पाई का वैल्यू आप लोग डाल दीजिएगा 22/7, तो यहाँ पर ऊपर में 7 आ जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आपका रिमेनिंग आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा आपका क्वेश्चन है, दूसरा आपका क्वेश्चन है गया 5π/3 रेडियन। अब 5π/3 रेडियन को आप लोगों को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं, 5π/3 इंटू यहाँ पर आपका आ गया 180 डिग्री बाई पाई से आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1 रेडियन में 180 डिग्री बाई पाई, तो 5π/रेडियन में कितना, 5π/3 इंटू 180 बाई पाई, यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया, 360 से आपका ये आ गया, 65 से 300 डिग्री, आपका 300 डिग्री आपका आंसर आ गया। यहाँ पर हम लोग इसलिए यहाँ पर सॉल्व नहीं किया क्योंकि अगर इसको अभी सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पर आपको अगर मान लीजिए आपके पास पाई बचा रहता है तो पाई के जगह पे आप लोग 22/7 वैल्यू आप लोग डाल सकते हैं, या अगर 3.14 आपका क्वेश्चन में दिया होगा कि आपको पाई का वैल्यू क्या लेना है, 22/7 लेना है या 3.14 लेना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जिसमें लेना होगा उसमें आप लेके कन्वर्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर अभी इसको सॉल्व करें, 11/2 से 22, 290 से उसके बाद यहाँ पे हो गया 4/4 से 16, 2/8 से 16, 245 से, और 45 × 7/8 यहाँ पर आपको कन्वर्ट कर देते 45 × 7/8। तो यहाँ पर आपको जो अभी यहाँ पर ये आपका आसान हो गया, इसको आप मल्टीप्लाई करके जो आएगा आप इसको आंसर कर लीजिएगा। अब ये एक्सरसाइज का आपका जो ये वाला क्वेश्चन था, पहला रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना ये हो गया, और डिग्री से रेडियन जो पहला क्वेश्चन करवाया है इससे रिलेटेड जितना भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम था वो आपका सॉल्व हो चुका है। अब इससे रिलेटेड बाकी का क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, सॉल्व कीजिए एक्सरसाइज देख के, तो 1 और 2 में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप लोग का 1 और 2 क्वेश्चन डन हो गया। अब आप लोग का हो गया एक्सरसाइज 3.1 का 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन में आप लोग का है व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में
ये 360 रिवोल्यूशन करता है, ठीक है। वन मिनट में आपका व्हील जो है 360 रिवोल्यूशन करता है। वन मिनट में आपका 60 सेकेंड हो गया, तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन वन मिनट, एक मिनट में 360 रिवोल्यूशन एक व्हील करता है, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन वन सेकेंड, तो ये वन सेकेंड में कितना रेडियन टर्न करेगा, ठीक है। तो आप लोग का ये वाला क्वेश्चन है, एक व्हील है, ठीक है, ये वन मिनट में आपका, वन मिनट में कितना रिवोल्यूशन कर रहा था, 360 रिवोल्यूशन, वन मिनट में ये 360 रिवोल्यूशन कर रहा है, ठीक है। वन मिनट में ये आपका 360 रिवोल्यूशन कर रहा है, वन मिनट में आपका कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। आप लोगों को बताया है, मिनट को ऐसे हम लोग डिनोट कर रहे हैं, सेकंड को ऐसे डिनोट करते हैं सेक्सागेसिमल सिस्टम में। तो वन मिनट में एक व्हील है जो 360 रिवोल्यूशन कर रहा है, वन मिनट इज 60 सेकंड। सेकंड में हम लोग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग को जो रेडियन में निकालना है वो सेकंड में लिखा हुआ, क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन वन सेकेंड, वन सेकेंड में कितना रेडियन टर्न करेगा, इसलिए हम इसको मिनट से सेकेंड में कन्वर्ट किए हैं। तो यहाँ पर 60 सेकेंड में 360 रिवोल्यूशन है, तो वन सेकेंड में कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 60, वन सेकेंड में 360 डिवाइडेड बाई 60, तो ये आपका हो गया 6 रिवोल्यूशन, 6 रिवोल्यूशन। तो ये आपका वन सेकेंड में 6 रिवोल्यूशन कर रहा है, एक व्हील है जो एक मिनट में मतलब 60 सेकेंड में 360 रिवोल्यूशन कर रहा है, तो एक मिनट एक सेकेंड में वो 6 रिवोल्यूशन करेगा। तो आपका नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन में कर रहा है, अ व्हील मेक्स 360 वन मिनट, टू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन वन सेकेंड, वन सेकेंड में कितना रेडियन टर्न करेगा। अब देखिए एक व्हील है, ठीक है, ये आपका व्हील है, ये आपका व्हील है। अब व्हील मान लीजिए इस पाथ पे ऐसे है, तो व्हील आपका एक बार में यहां से इस पॉइंट से आप देखिएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का देखिए, अगर यहां से ये ऐसे टर्न करता है, टर्न करेगा, तो ये वाला जो इसका पॉइंट है ये यहां आएगा और ये वाला आपका इस साइड आ जाएगा, ये वाला आपका इस साइड आ जाएगा और ये वाला आपका इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को देखना है क्या है, एक व्हील है ये ऐसे टर्न करेगा, फिर जब ये वाला पार्ट इसका कंप्लीट यहां पर आएगा ना, ये वाला पार्ट पहले यहां आएगा, फिर उसके बाद ये पूरा जाएगा यहां आएगा, जब कंप्लीट ये वाला पार्ट यहां आ जाएगा और ये वाला पार्ट इसका यहां पर आ जाएगा, तो ये 2n रेडियन हो जाएगा। एक व्हील है, ये वाला पार्ट जब इसका यहां आ गया, ये वाला पार्ट जब इसका यहां आ रहा है, तो ये वाला पार्ट इसका कहां जा रहा है, यहां पर जा रहा है, ठीक है। ऐसे में वही जब इसका ये वाला पार्ट आपका इस साइड में आ जाएगा, यही व्हील है, और जब इसका ये वाला पार्ट इस साइड में आ गया और तो ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा, तो यहां से यहां ये कितना 180 डिग्री का मूव किया और फिर यहां पर 180 डिग्री का मूव किया, मतलब कि 180 डिग्री आपको यहां पर हम बताए हैं, ये आपका पिक्टोरियल व्यू से आपका क्लियर हो गया। आपको हम बताए हैं कि 180 डिग्री जो होता है, 180 डिग्री पाई रेडियन, तो यहाँ पर 360 डिग्री मूव कर रहा है, तो 360 डिग्री कितना हो गया, 2 पाई रेडियन। तो एक व्हील जो है, एक व्हील कितना, एक व्हील जो है 2 पाई रेडियन मूव कर रहा है, 2 पाई रेडियन मूव कर रहा है, तो 2 पाई रेडियन मूव कर रहा है एक रिवोल्यूशन में, वो कंप्लीट एक रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन मूव कर रहा है, तो 6 रिवोल्यूशन में कितना, 6 रिवोल्यूशन 2 पाई रेडियन रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पर 6 रिवोल्यूशन में कितना करेगा, 6 रिवोल्यूशन में 2 पाई इंटू 6 12 पाई रेडियन मूव करेगा, ठीक है। एक व्हील है जो 2 पाई रेडियन में मूव कर रहा है, 360 डिग्री मूव कर रहा है एक रिवोल्यूशन में, तो 6 रिवोल्यूशन में कितना मूव करेगा, 2 पाई इंटू 6 12 रेडियन, ठीक है। तो ये आपका इसका थर्ड क्वेश्चन का आंसर था कि एक व्हील है जो 2 पाई रेडियन मूव 2 पाई 12 रेडियन मूव करेगा वन रिवोल्यूशन वन सेकेंड में, ठीक है। तो आपका अब इससे ये आपका थर्ड क्वेश्चन डन हुआ। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है, जो इसको रफ करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं।
तो आपका नेक्स्ट फोर नंबर क्वेश्चन जो है, इसके लिए आप लोग को एक फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर इस फॉर्मूला का जरूरत पड़ने वाला है। यहाँ पर एल जो है आप लोग का लेंथ हो गया, एल आप लोग का लेंथ हो गया, आर आप लोग का ये रेडियस हो गया, ठीक है। और थीटा जो आ गया ये आपका वैल्यू जो होता है ये रेडियन के लिए यूज होता है, ठीक है, इससे आपका रेडियन में वैल्यू आता है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है फोर नंबर क्वेश्चन आपका कर रहा है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप लोग का लेंथ दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है आप लोग का 100 सेंटीमीटर। तो जैसे कि एक सर्कल आपको है, सर्कल सबटेंडेड किया गया है जिसका आप लोग का रेडियस जो है, आप लोग को पता है सेंटर से कुछ भी जाता है ये रेडियस हो गया, रेडियस आप लोग को दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर और आप लोग का लेंथ जो है लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है, ये जो हो गया ना इसको आर्क कहते हैं, ये वाला जो हो गया इसको आर्क कहते हैं, आर्क। तो इसका हम लोग का वैल्यू, इसको हम लोग एल से डिनोट कर रहे हैं, तो इसका जो वैल्यू हो गया 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये जो हो गया ये थीटा हो गया, ठीक है, ये थीटा। तो यही फॉर्मूला आता है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, यहीं से फॉर्मूला डिराइव होता है। तो यहाँ पे आप लोग का जो ये फॉर्मूला हो गया थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, मतलब ये 22/100 रेडियन, 22/100 रेडियन, ठीक है। आपका यहाँ से अब ये वाला फॉर्मूला जो है इसको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 22/100 इंटू यहाँ पे 180 डिग्री बाई पाई से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई का यहाँ पर वैल्यू हम लोग डाल देंगे 22/7, यहाँ पर 22/7 डालेंगे तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, 126/10 ये हम लोग का डिग्री में आया। अब ये हम लोग का डिग्री में आया तो इसको हम लोग मिनट में चेंज कर देंगे 126/10, और यहाँ पर हम लोग आपको बताए थे कि वन मिनट में 60 सेकेंड हो रहा है और यहाँ पर 1 डिग्री में 60 मिनट था, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे 126/10 इंटू 60, तो यहाँ से आ गया, एक सेकेंड, यहाँ पर आपका आ गया वो 12.6 डिग्री। तो आपका ये 12.6 डिग्री आया, 12.6 डिग्री में ये 12 डिग्री प्लस 0.6 डिग्री, 0.6 डिग्री को अब हम लोग कन्वर्ट करेंगे मिनट में, ये मिनट में, तो 0.6 इंटू 60, तो यहाँ पर कितना आ गया 12 डिग्री प्लस 36 मिनट, तो ये हो गया 12 डिग्री 36 मिनट, ये आपका इसका यहाँ पे आंसर आया, ठीक है। तो ये आपका था फोर नंबर क्वेश्चन। तो देखिए अभी तक हम लोग चार क्वेश्चन देख चुके हैं, ये फाइव नंबर क्वेश्चन है। फाइव नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, तो यहां पर जो हम लोग का गिवन रहता है, पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं, जो भी गिवन है, गिवन डायमीटर हम लोग का 40 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। हम लोग कॉर्ड के बारे में देख लेते हैं, कॉर्ड क्या होता है, जैसे कि ये जो हो गया ये कॉर्ड हो गया, ये कॉर्ड हो गया, ये सब कॉर्ड हो गया, ये जो हो गया ये बीचों बीच जो होता है ये डायमीटर हो गया। तो यहाँ पर अभी हम लोग कॉर्ड का कॉन्सेप्ट देख लिए हैं, अभी हम लोग को माइनर आर्क और मेजर आर्क के बारे में ही जानना है, माइनर आर्क क्या होता है और मेजर आर्क क्या होता है। कोई कॉर्ड है ए और बी कॉर्ड है, तो ये जो हो गया ये इसका माइनर आर्क हो गया और ये वाला बड़ा वाला पोर्शन जो हो गया ये इसका मेजर पार्ट, ये मेजर आर्क हो गया। कोई कॉर्ड है ए बी, तो उसका जो शॉर्टेस्ट वाला जो आर्क हो गया वो हो गया इसका माइनर आर्क, ये हो गया इसका माइनर आर्क, और ये जो इसका लॉन्गेस्ट पोर्शन जो हो गया ये हो गया इसका मेजर आर्क,
ठीक है। तो माइनर आर्क और मेजर आर्क समझिए, ये हम लोग का कॉर्ड है, ठीक है, कॉर्ड हो गया, ये हम लोग का डायमीटर हो गया। तो आइए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर दे दिया है, इसका हम लोग रेडियस भी निकाल लेंगे, रेडियस इज इक्वल टू 40/2, 20 सेंटीमीटर। रेडियस हमेशा डायमीटर का हाफ होता है, रेडियस हमेशा डायमीटर का हाफ होता है। और उसके बाद एंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड जो है वो 20 सेंटीमीटर है, लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। अब हम लोग को बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड हम लोग को ये वाला पोर्शन बताना है। जैसे कि एक ये हो गया सर्कल हो गया, इसका हम लोग को रेडियस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, इसका एक कॉर्ड है ए और बी, कॉर्ड हो गया ए बी, कॉर्ड को हम लोग ए बी से डिनोट करते हैं, यहाँ पर लेट ए बी बी अ कॉर्ड, बी अ कॉर्ड, तो ए बी कितना हो गया, ए बी हो गया 20 सेंटीमीटर। ओके, तो ए बी का लेंथ हो गया 20 सेंटीमीटर। हम लोग को बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, हम लोग को ये बताना है लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, ठीक है। अब यहां से हम लोग को इसका रेडियस पता है, इसका रेडियस हम लोग को पता है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, इसको हम लोग वो मान लेते, सपोज कर लेते हैं। सेंटर से हम लोग कोई भी पाथ को सेंटर से हम लोग कोई भी इंट को देखेंगे वो हम लोग का रेडियस होगा। तो यहाँ पर ये 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, तो हम लोग कह सकते हैं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ ए बी, यहाँ पर क्या है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लोग इसको कह सकते हैं सो ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, अब ये हम लोग का इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हम लोग जानते हैं, वी नो इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको स्टेटमेंट से यही बता देते हैं, हम लोग को पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है, ठीक है, 60 डिग्री होता है। तो यहां पर हम लोग लिख रहे हैं वी नो angles of an equilateral triangle is 60 degree। तो हम लोग को यहाँ से 60, यहाँ से हम लोग को थीटा का वैल्यू पता है 60 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा पाई बाई थ्री रेडियन, ठीक है। ये हम आपको कन्वर्ट करना पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। यहाँ पर हम लोग को थीटा का वैल्यू पता चल गया। हम लोग का सर्कल का एक प्रॉपर्टी होता है कि सर्कल का हम लोग का प्रॉपर्टी होता है जैसे कि थीटा, जिससे हम लोग का ये वाला फॉर्मूला निकलता है थीटा इक्वल टू एल वाई आर। इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो थीटा का वैल्यू हम लोग को पता है पाई बाई थ्री, एल हम लोग को निकालना है लेंथ ऑफ माइनर आर्क, आर का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो यहां से हम लोग का एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, एल का वैल्यू आ जाएगा 20 पाई बाई 3, ये हम लोग का लेंथ ऑफ माइनर आर्क आ गया, ठीक है। तो ये हम लोग का एक क्वेश्चन था इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका हम लोग का डायमीटर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर,
डायमीटर 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका हम लोग का रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इसका हम लोग का हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। सो हम लोग इसका रेडियस 20 सेंटीमीटर सपोज के इसका रेडियस 20 सेंटीमीटर आया। अब हम लोग को यहाँ पे ये हम लोग को बोला लेट ए बी बी अ कॉर्ड, एक कॉर्ड है ए बी, ए बी एक कॉर्ड हो गया जिसका ए बी का लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम लोग को यहाँ पे ट्रायंगल ओ ए बी में हम लोग देखे तो ओ ए ए बी और ओ बी तीनों का साइड सेम है, सेम है इसलिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल से हम लोग को पता चला कि इसका एंगल जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल 60 डिग्री होता है। सो यहाँ पे 60 डिग्री का हम लोग इसको रेडियन में कन्वर्ट किए, थीटा इक्वल टू एल वाई आर जो सर्कल का, ये सर्कल का क्वेश्चन है इसलिए इसमें सर्कल का प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, सर्कल का प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा है थीटा इज इक्वल टू एल वाई आर। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू रेडियन में पाई बाई थ्री, लेंथ हम लोग को निकालना है माइनर आर का और यहाँ पे आर का वैल्यू 20 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर लेंथ ऑफ माइनर आर का वैल्यू आ गया 20/3, ठीक है 20/3 सेंटीमीटर। ओके तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन एंड हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन पे स्टार्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल्स 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर्स फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। दो सर्कल है, सर्कल वन सर्कल टू, ठीक है इसमें जो है आर इसका जो लेंथ ये है, इसका जो एंगल है ये 60 डिग्री है, इसका एंगल सबटेंडेड जो है ये 75 डिग्री है। ओके दो सर्कल है C1 C2 दोनों का एंगल सबटेंडेड है C1 का 60 डिग्री और C2 का एंगल सबटेंडेड 75 डिग्री। अब हम लोग को देखना है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो सर्कल का प्रॉपर्टी है, इसलिए यहाँ पर जो फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा थीटा इक्वल टू एल वाई आर। यहाँ पर बोल रहा है इफ इन टू सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ, इसका आर्क का जो लेंथ है वो सेम है, ठीक है तो यहाँ पर ये जो एल हो गया यहाँ थीटा वन इक्वल टू एल वन बाई आर वन, इसको थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है तो यहाँ पर एल इज इक्वल टू आर थीटा, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे कि यह इसी को आर को इधर कर दिए क्योंकि हम लोग को आर्क ऑफ द सेम लेंथ, यहाँ पर लेंथ दोनों का सेम है C1 और C2 का, ये वाला जो लेंथ है आर्क का L1 और L2 ये दोनों सेम है और हम लोग को निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई R1 और R2, इस दोनों का हम लोग को रेशियो निकालना है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर थीटा इक्वल टू एल वाई आर है तो एल इक्वल टू आर थीटा, तो इन सर्कल वन L1 इक्वल टू R1 थीटा वन, इन सर्कल टू L2 इज इक्वल टू R2 थीटा टू। नेक्स्ट हम लोग यहां पर प्रोसीड करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां पर R1 बाई थीटा वन इज इक्वल, पहले हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है दोनों का लेंथ सेम है, लेंथ ऑफ आर्क जो है सेम है L1 इक्वल टू L2, तो यहाँ पर R1 थीटा वन इज इक्वल टू R2 थीटा टू। थीटा वन का हम लोग को वैल्यू पता है, थीटा वन का वैल्यू क्या है, थीटा वन 60 डिग्री है तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे पाई बाई थ्री रेडियन, थीटा टू है 75 डिग्री तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर हो जाएगा पाई बाय 180 डिग्री इंटू 75 इंटू पाई बाय 180 डिग्री, 5 1 से 5, 5 5 से 25, 5 3 से 15, 5 6 से 30, ठीक है 3 5 से 15, 3 12 से 36, 5 pi by 12 radian, ठीक है तो थीटा वन या थीटा टू का वैल्यू पता है तो यहाँ पर हम लोग थीटा आर वन बाई आर टू इसको इधर ले आए इज इक्वल टू थीटा टू बाई थीटा वन, थीटा टू का वैल्यू हम लोग ये हम लोग का आ जाएगा रेशियो इसका, तो यहाँ से क्या आ गया आर वन बाई आर टू इज इक्वल टू थीटा टू का वैल्यू कितना है 5 pi by 12 और थीटा वन का वैल्यू कितना है 5/3,
पाई बाई थ्री, तो यहाँ से पाई से पाई कैंसल, थ्री फोर से ट्वेल्व, फाइव बाई फोर, तो रेशियो यहाँ से आ गया दस, आर वन बाई आर टू का वैल्यू आ गया फाइव बाई फोर, ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पर कह रहा है इफ इन टू सर्कल्स, दो सर्कल है सी वन एंड सी टू, आर्क ऑफ द सेम लेंथ, इसका आर्क का जो लेंथ है वो सेम है, ये इसका लेंथ ऑफ द आर्क है, इसका आर्क का लेंथ सेम है, मतलब एल वन इज इक्वल टू एल टू, एल वन इज इक्वल टू एल टू, सबटेंडेड एंगल्स 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, ये 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है, 75 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है, 60 डिग्री का रेडियन में 5 बाई 3 वैल्यू होता है और 75 डिग्री का रेडियन में 5 बाई 12 वैल्यू होता है। यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, रेशियो ऑफ देयर रेडियस, तो इसका हम लोग को थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर सब पता है, एल इक्वल टू आर थीटा, तो एल इक्वल टू आर थीटा, आर वन थीटा वन इज इक्वल टू आर टू थीटा टू, यहाँ पर हम लोग इसका रेशियो निकाल दिया, रेशियो इसका 5 बाई 4 आ गया। तो चलिए अभी इसका ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, अब एक लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का बाकी है, 7 नंबर क्वेश्चन, तो वो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल इन रेडियन, एंगल हम लोग को निकालना है रेडियन में थ्रू अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 25 सेंटीमीटर, एक पेंडुलम है जिसका लेंथ 75 सेंटीमीटर है, ये स्विंग कर रहा है, तो यहाँ पर इसका हम लोग को बताया एंड द टिप डिस्क्राइब्ड एन आर्क ऑफ लेंथ, इसका जो टिप है ये इधर जाएगा तो आर्क ऑफ लेंथ बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का जब बताना है, यहाँ पर जब आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर का होगा, यहाँ पर एक सीधे फॉर्मूला लगेगा थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, यहाँ पर हम लोग को वैल्यू दिया हुआ है लेंथ, लेंथ हम लोग को पता है, यहाँ पर हम लोग को फाइंड द एंगल इन रेडियन ये निकालना है, रेडियस हम लोग को पता है, बस इस पर नॉर्मल फार्मूला पुट करना है, तो यहाँ पर वन नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, एल का वैल्यू हम लोग का 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आर 10 सेंटीमीटर है, तो 5 से 5 25 5 2 से 10, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू आ गया 15/2 रेडियन। दूसरा नंबर क्वेश्चन में है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर हम लोग पुट करेंगे, तो थीटा का यहाँ पे एल का वैल्यू 75 सेंटीमीटर, आर का वैल्यू 15 सेंटीमीटर, तो 15 5 से, तो थीटा का वैल्यू आ गया 5 रेडियन। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर पुट करेंगे, तो एल का वैल्यू हम लोग का 75 सेंटीमीटर है, आर का वैल्यू हम लोग का 21 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 2 से 6, 3 5 से 15, 3 7 से 21, 25/7, तो थीटा का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 25/7 रेडियन। तो ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन था, अब ये एक्सरसाइज एंड हो रहा है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन लेंगे, तो ये वाले को इसमें अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगा तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, वैसे अब इसमें एक भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए था, इसमें सर्कल का जो भी प्रॉपर्टी यूज हो रहा है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर और जो भी कुछ फॉर्मूला यूज यहाँ पर मेनली यही यूज हो रहा है, मेन इसमें कैलकुलेशन है, इसमें जो भी बेसिक रेडियंस डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना, ये सब आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं, इस एक्सरसाइज 3.1 में इसके अलावा और कुछ है नहीं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और आइडेंटिटीज का क्वेश्चन, उसमें इस सब का फॉर्मूला यूज होगा, इसमें साइन थीटा कॉस थीटा ये सब का कुछ एंगल यूज होगा, तो वो सब आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, अभी के लिए इतना ही, ये एक्सरसाइज 3.1 आप अच्छे से डन कीजिए और उसके बाद बाकी के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए वीडियो को, थैंक यू।